ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के राजगढ़ रोड पर स्थित दुकान में आग लगने के बाद दमकल विभाग ने बड़ी ही मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया, लेकिन जिस तरह से आग पर काबू पाया गया वह तरीका दुकान के मालिक विजय गुप्ता को पसंद नहीं आया। दुकान मालिक ने दमकल विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए और यह आरोप लगाया कि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाते समय कोई भी सावधानी नहीं बरती, जिसकी वजह से जो सामान आग से बच सकता था उसे भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उनका सामान आग की भेंट चढ़ रहा था, वहीं दमकल विभाग ने कर्मचारी उनसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे थे, जो कि सरासर गलत है। सोलन के राजगढ़ रोड पर स्थित दुकान में आग लगने के बाद दमकल विभाग ने बड़ी ही मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया, लेकिन जिस तरह से आग पर काबू पाया गया वह तरीका दुकान के मालिक विजय गुप्ता को पसंद नहीं आया। दुकान मालिक ने दमकल विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आरोप लगाया है कि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाते समय एहतियात नहीं बरता, जिसकी वजह से जो सामान आग से बच सकता था उसे भी भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उनका सामान आग की भेंट चढ़ रहा था, वहीं दमकल विभाग के कर्मचारी उनसे ठीक से व्यवहार भी नहीं कर रहे थे, जो कि सरासर गलत है। सर, हमने लगभग 9:30-10 बजे सुबह दुकान खोली थी। उसके बाद दुकान खोल के अपने दूध दाम दिला के हम लोगों को दोनों, मुझे और मेरे बेटे को किसी काम से जाना पड़ा, तो तकरीबन 11:15-11 बजे दुकान से यहाँ से गए शटर डाउन करके। लगभग 12:15-12:30 बजे के करीब हमारे को ये पता चला मोबाइल पे कि भाई दुकान में से धुआं निकल रहा है, तो मैंने उसके बेटे को यही कहा कि भाई तू जा दुकान पे देख क्यों धुआं निकल रहा है। और हमारे एक नॉन हैं, उनके बेटे ने सबसे पहले हमारे को फ़ोन किया था, तो उसको बोला कि बेटा शटर खुला हुआ है तो तू शटर खोल दे। फिर उसने एक 100 फैब्रिकेट को किसने फ़ोन किया मुझे नहीं पता। जब मैं यहाँ पर तकरीबन अपने बेटे के पहुँचने के 15-20 मिनट बाद पहुँचा हूँ, तो सामान तकरीबन सारा ख़त्म हो चुका था और फायर वालों ने जो कुछ बचा कुचा सामान भी था, जो सामान बिकने वाला था, वो भी इन्होंने जानबूझ के तोड़ के और फर्नीचर को जानबूझ के तोड़ कर उसको गिरा दिया। जिस पोर्शन में मेरे देखते देखते कोई आग नहीं थी, इन्होंने वो सामान ऊपर से नीचे फेंका, उस फर्नीचर को जानबूझ के तोड़ा और उसके बाद उनको वहाँ पे कोई आग नहीं मिली। और इन्होंने जानबूझ के जो है, मतलब मेरा कम से कम 10-15% का नुकसान जो है वो फायर वालों की गलती से हुआ है, जो मैंने देखा है। उससे मेरी एब्सेंस में जो कुछ हुआ उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे सामने। और उसके बाद उसमें एक पतला सा फायर का आदमी था, मुझे नाम नहीं पता उसका, वो मेरे से बदतमीजी भी की है उसने, और कुछ ऐसे लफ्ज उसने मुझे कहे हैं कि जो उसको अपनी शान के खिलाफ थे, उसको वो लफ्ज बोलने नहीं चाहिए थे, जो बोल गया। सर, इस पूरे प्रकरण में कितना नुकसान हुआ है? सर, तो मेरा विद फर्नीचर जो है 15 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। वहीं दमकल अधिकारी राजाराम ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है और कहा कि जैसे ही सूचना मिली उनके कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे हैं, जिसमें से 2 होमगार्डों के जवान भी थे। उन्होंने आधे घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के समय उनका एक कर्मचारी चोटिल भी हो गया है। उन्होंने ये बात भी स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर उनके पास होमगार्ड के कर्मचारी भी तैनात होते हैं तो उन्हें भी पहले आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आग के ऊपर हमने 30 मिनट में काबू पा दिया था, जिसमें इसमें हमारे एक लीडिंग फायरमैन देवेंद्र जी है, उनकी उंगली भी फ्रैक्चर हुई है। इस आग पर हमारे जो है 13 लोग गए थे, जिसमें 2 होमगार्ड थे। होमगार्ड के जवान भी हमारे फायर ट्रेंड रहते हैं, वो जो 2 महीने का कोर्स करके आते हैं फायर का, उसके बाद ही उसको ड्यूटी पे लिया जाता है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।